हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने चैनल पर, उसमें पूछा था कि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं मेरा सेटअप टूर, कि हम कैसे वीडियो शूट करते हैं। तो उसमें 86% जो है यस पे वोट आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेटअप टूर बना दिया जाए, जो आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं, जिससे आप थोड़ा मोटिवेट भी हो जाएंगे, कितना मेहनत लगता है बनाने में, कितना टाइम लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हम वीडियो को शूट करते हैं, एडिट करते हैं और बनाते हैं। चलिए चलते हैं अपने रूम में जहाँ पे हम वीडियो शूट करते हैं। चलिए आपको अपने रूम में लेके चलते हैं अपने रूम में जहाँ पे वीडियो शूट होता है। तो आइए, हम अपने रूम में आ गए हैं। तो यही रूम है जिसमें हम सोते भी हैं, इस पे वीडियो भी एडिट करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो चलिए कैसे वीडियो को हम बनाते हैं, शूट करते हैं, तो उसको आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप पास में आइएगा, यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे किताब भी है और किताब तो रखा हुआ है, ये इसी पे हम सोते भी हैं, इस पे वीडियो भी बनता है। तो किताब भी रखा हुआ है, तो किताब को इसी किताब के सहारे, इसी किताब के जरिए हम वीडियो को एडिट करते हैं। इस किताब को यहाँ पे रख लेते हैं, यही किताब है, इसी किताब पे वीडियो बनता है। और भी कुछ है और आगे यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ता है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मग का भी जरूरत पड़ता है और एक बॉक्स का भी जरूरत पड़ता है वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को शूट करने या एडिट करने में ये तीनों चीज का यहाँ पे बहुत ही जरूरत पड़ता है मेरे वीडियो बनाने में। अब और कैसे बनाते हैं वो तो पता नहीं, तो इसको जो है कपास में ये बताते हैं कि कैसे इसको लगाते हैं। इस वीडियो को ऐसे लगाने के बाद देखिए, इस मग एक बॉक्स है, एक बॉक्स के ऊपर एक मग रख देते हैं, जिससे कि मोबाइल इस पे रखे तो ये जग जो है आगे की तरफ नहीं झुके। तो यहाँ इसमें एक रिमोट लगा देते हैं, टीवी का ये रिमोट है, जिससे मोबाइल आगे की तरफ ना गिरे। तो देखिए मोबाइल को हम यहाँ पे रखते हैं इसके ऊपर से ऐसे, और एक पेज ले लेते हैं, जो पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज है, इसी पेज पे हम वीडियो को बनाते हैं। इस पेज को रख लेते हैं। तो फाइनली हमने ये जो है सेटअप तैयार कर लिया है, और इसको जो यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे कुर्सी या टेबल हमेशा रखते हैं, कुर्सी को यहाँ पे इसमें बैठ के तब वीडियो को शूट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक बॉक्स भी है, उसके ऊपर से एक जग को रखा गया है, और उसमें एक रिमोट टीवी भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप किताब, तीन चार किताब है, जिससे इसका जो हाइट है थोड़ा बढ़ जाए। तो ऐसे मतलब थोड़ा मेहनत तो लगता है वीडियो शूट करने में। और यहाँ पे इसके ऊपर एक मोबाइल भी रखा हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको आपको बताते हैं। पास नहीं है कैमरा, लेकिन कैमरा पे हम लोग आते हैं, और फाइनली जो यहाँ पे कैमरा आ गया। थोड़ा ऊपर से दिखाइएगा कैसा पिक्चर आ रहा है इसका, देख सकते हैं कि इधर उधर से इसका सब कुछ आ रहा है, बॉक्स का आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसको मतलब देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, मतलब इसको स्टेबल करना होता है, थोड़ा जूम करके इसको फिक्स कर लेते हैं तब इसको शूट करते हैं। तो थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं और देख लेंगे कि कहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा ये पूरा फ्रेश आ रहा है, यानी फ्रेश फ्रेम में आ रहा है ये। तो यहाँ पे कुर्सी ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, और यहाँ पे पेन है, तो पेन लेकर के यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाता है बनना। तो देखिए वीडियो को कैसे हम शूट करते हैं, आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं, देख सकते हैं कि कैसे वीडियो को शूट किया गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रो करते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, तो ऐसे वीडियो को हम लोग शूट करते हैं और बनाते हैं। तो फाइनली मतलब 2 या 4 मिनट जो भी हो जाता है, 5 मिनट का वीडियो बनता है, और उसको एडिट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो यही प्रोसेस था कि कैसे वीडियो को हम शूट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इतना सारा यही मेरा जो है मेन सेटअप है, इसको आप जुगाड़ू सेटअप भी बोल सकते हैं। तो यही सेटअप है जो जिससे हम वीडियो को शूट करते हैं और बनाते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।